सो कल रात को मैंने और क्यू ने मतलब हम लोग जहाँ पे गए थे 31st नाइट स्पेंड करने के लिए, बहुत रात तक हम लोग ने वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। फिर रात को 2 बजे हम लोग घर आए, फिर मैं सोया। नेक्स्ट डे मतलब आज मैं सुबह सुबह काम पे गया, मतलब थकान तो हुआ है लेकिन चलो एंजॉयमेंट भी बहुत अच्छा, उसके लिए थोड़ा सा प्लस माइनस हो गया थकान, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई चैनल बॉम बाइसेप्स। कल मैंने व्लॉग बनाया था, ऐसा नहीं मैं व्लॉग नहीं बनाया, कल भी व्लॉग बनाया था लेकिन वो खुद के लिए बनाया था, वो अपने पास रखूंगा यूट्यूब में डाल के, प्राइवेट में वो आप लोगों को नहीं दिखाने वाला मैं, क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेट है वो मेरे लिए। क्योंकि जो चीज़ 2022 से मैंने सीखा, जो चीज़ मैंने 2021 से सीखा, सब कुछ उसके अंदर है। मतलब उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता, वो खुद के लिए। और डेली में देख के अपना दिन को, आने वाला दिन को मैं और भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि कोई तो बोल के गया है कि आपका जो पास्ट है, आपका जो पास्ट है वो एक्सपीरियंस है, और आपका जो प्रेजेंट है, अभी जो चल रहा है वो आपका मतलब एक्सपेरिमेंट है, आपका एक्सपेरिमेंट है, एंड जो आपका फ्यूचर है वो एक्सपेक्टेशन है। सो आपका एक्सपीरियंस को आपका ए में लगा दीजिए, अभी प्रेजेंट में लगा दीजिए, आपका पास्ट को प्रेजेंट पे लगा के जो फल निकलेगा वो आपका फ्यूचर होगा। और इसीलिए मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता। बहुत कुछ सीखा मैंने कि कभी क्या डिसीजन लेना, कैसे पैसा खर्च करना, कहाँ पे क्या करना, कैसा बात करना, कहाँ पे क्या फुल स्टॉप करना, कहाँ पे क्या नहीं करना, सब कुछ मैंने सीखा। और वो मैं खुद के अंदर ही रखना चाहता हूँ, और आप लोगों को दूसरा मॉडल से मैं शेयर करने वाला हूँ। ऐसा नहीं वो वाला ब्लॉग ही शेयर करके आपको दिखाऊँ, ऐसा नहीं, लेकिन दूसरा तरीके से भी आप लोगों के साथ वो वाला धीरे धीरे शेयर करूँगा कि कल का ब्लॉग में क्या था मेरे लिए। कल रात को इतना दबा के डिनर किया कि आज 16 घंटे का फास्टिंग, मेरे को लगा ही नहीं कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। मतलब कल रात को लास्ट 10 बजे मैंने मील लिया था, और अभी जो टाइम हो रहा है 3 बज रहा है ऑलमोस्ट। सो 10 से 10 12, फिर 11 12 1 2 3, मतलब 5 घंटा। सो 12 और 5, 17 घंटा मैंने कुछ नहीं खाया। अभी खा रहा हूँ, थोड़ा सा मैगी बना रहा हूँ, किंतु पेट अभी भी फुल है मेरा, अभी भी। मतलब फास्टिंग आज जो किया ना, लगा कि हाँ मैं फास्टिंग किया, लेकिन पेट पूरा भूखा, मतलब भूखा बोल रहा हूँ, पेट पूरा फुल था ऐसा लग रहा था। तरफ से बोला जाए तो 2023 का पहला मैगी मेरा बन चुका है, जो कि अभी मैं खा रहा हूँ, और प्यू का भी बन रहा है, प्यू का भी 2023 का पहला मैगी है। मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि पहला बार खा रहा हूँ, पहला बार नहीं, पहला मैगी साल का। ये वाला मैंने कोलकाता जब गया था तभी ये ड्रेस मैंने खरीदा था, अभी प्यू निकाल के दिया, और ये निकालने की वजह से घर का ये हालत बन गया पूरा। और ये सबसे नीचे था, मेरे को मतलब मैंने ढूंढा बहुत बार, लास्ट में प्यू हाथ मारा उसको मिला, मेरे को तो मिला मिला भी नहीं था, मेरे को वो हाथ मारा लास्ट में जाके उसको मिल गया। न्यू ईयर में नया नया ड्रेस पहन लिया, नया नया बहुत सारा मोटो ले लिया, बहुत कुछ सीख लिया पुराना ईयर में, कि मतलब कैसे लाइफ को, अपना लाइफ को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे क्या डिसीजन लेना होता है, कैसे कहाँ पे क्या खर्च करना होता है, क्या बोलना होता है, कैसे मिलना होता है, बहुत कुछ सीखा, जो आगे जाके अपना नेक्स्ट साल से जाके इसको मैं अप्लाई करने वाला हूँ। अगर न्यू ईयर का आप रिकैप देखोगे, न्यू ईयर में जाके अपना पुराना हिसाब का, मतलब पुराना साल का आप अगर रिकैप देखोगे, तो रिकैप में आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ गलती आपने जो किया है वो भी आपके सामने आईने की तरह आ जाता है, जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो। अगर आप सॉल्व कर लिए तो आप अचीव कर जाओगे, अगर नहीं कर पाए तो सेम पिछला साल की तरह ये साल भी आप भुगतोगे। सो मैं भी हो गया पूरा रेडी, प्यू भी हो गया पूरा रेडी। सो हम लोग अभी निकल रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट 9 बज रहा है, और मेरा फ़ोन का भी चार्ज मतलब डेड डेड हो चुका है वो, ऐसा हालत है, 5% चार्ज ही, उसको भी मैं पावर बैंक से कैरी करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि रात होने वाला है, और मेरे को भी पीछे कुछ कुछ ऑफिस का अपडेट करना है, ये करना है, ये सब कुछ काम है मेरा, तो इसलिए थोड़ा बहुत मेरा फ़ोन भी मेरे साथ में कैरी कर लूँगा, और बाकी तो
कैमरा को मैं कैरी करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ऑलमोस्ट हम लोग को 40 to 45 minutes लग सकता है, सो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए। अभी पहुँच गए मतलब पार्टी भी शुरू हो गया, मतलब 8 बजे टाइम था, हम लोग 9:30 पहुँचे यहाँ पे। पूरा अंधेरा होके लगता, पूरा डीजे पूरा पीछे पूरा एकदम 31st night तो एकदम तगड़ा होने वाला है। ये वाला होटल का व्यू सुबह बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पीछे एकदम प्राइवेट बीच है, तो इसका एक्सेस और भी अच्छा रहता है और इसका व्यू भी तगड़ा वाला रहता है। सोचा था कि हल्का फुल्का रहूँगा, ज़्यादा टाइट नहीं होने वाला, लेकिन अभी टाइट गाड़ी से नहीं आने से हो गया, पूरा फुल टाइट। और जस्ट 10 मिनट बचाए न्यू ईयर होने में, मतलब सिर्फ 10 मिनट। कैमरा में कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोगों को खुले आँखों से जितना अच्छा मून का व्यू दिखाई दे रहा है ना, मतलब सनराइज क्या सनसेट क्या है, मून का व्यू जो दिखाई दे रहा है उसमें ही भाई पैसा ले लेगा। सो जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं ऑफिस से काम खत्म करके, फाइनली सब कुछ काम खत्म करके मैं आया घर में, फ्रेशन अप हुआ और सोचा था पीयू भी निकलेगा मेरे साथ, लेकिन वो फिलहाल अभी नहीं निकल रहा है। उसका थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सा लो हो रहा है, लो ऐसा नहीं संडे है करके, वो अभी रेस्ट कर रहा है वहाँ पे, पड़ा हुआ है पूरा। और मैं अभी निकल रहा हूँ थोड़ा सा रात का खाना वगैरह जुगाड़ करने के लिए, अभी जाऊँगा। आज 1st January है, सो इसीलिए थोड़ा सा बिरयानी वगैरह कुछ मिलता है तो लेके आ जाता हूँ, देखता हूँ बाहर जाके क्या मिलता है। और सो कल रात को खाना लाने के बाद मतलब अचानक मेरे को लगा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, अभी तो 8 बज रहा है, 9 बजे तक खाने के लिए बैठ जाऊँगा। और जैसे ही मैंने सोया बस काम ख़त्म, अभी डायरेक्ट मैं नींद से उठा, कल खाना भी नहीं खाया, डायरेक्ट सो गया और मतलब पूरा आउट, बत्ती गुल हो गया, क्योंकि एक तो रात भर पार्टी किया, फिर 5 बजे से काम के लिए निकल गया और मतलब पूरा बत्ती गुल हो गया मेरा, पूरा गुल, मतलब उठने का कोई नामो निशान नहीं था। अभी जाके उठा, थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। सो अभी ब्लॉग को यहीं पे ही एंड कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा न्यू ईयर का ब्लॉग, और अभी से कोशिश करूँगा कि जितना मेरे को टाइम मिलता है उसी हिसाब से ब्लॉग बनाने का। और जैसे कि मैंने बोला था कि 31st night का कुछ वीडियो मैं डालने वाला नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कुछ छोटा छोटा क्लिप नहीं डालूँ, क्लिप भी थोड़ा थोड़ा मैं डाल दूँगा ब्लॉग में। सो वेट करो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए।